ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 15 अक्टूबर 2019 मंगलवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। कार्तिक माह का दूसरा दिन रहेगा। अश्विनी नामक नक्षत्र मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो नव ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनके लिए दिन सबसे अधिक फायदे वाला साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ पारिवारिक खुशियां भी इनको प्राप्त होगी। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है या फिर कोई ऐसी सौगात इनको प्राप्त हो सकती है जिससे इनका मन अत्यधिक प्रसन्न होगा। कोई पुराना या अटका हुआ काम भी इनका शुरू हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास और उम्मीदों से भरा दिन आपके लिए रहेगा। कुछ नए अनुभव आपको होंगे। बड़ा सपना देखे और अपने मन पर भरोसा रखें। बातचीत और किसी को कोई बात समझाने के मामले में लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। रोमांस के मामले में दिन अच्छा है। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रस्ताव मिल सकता है। कामकाज के बजाय काम के तरीका पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कोई बड़ा फायदा होने के संकेत मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा होगी। बड़े और जरूरी काम आपके निपट सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप मसूर की दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है और धन लाभ का उत्तम दिन आपके लिए रहेगा। आपके दिमाग में कोई जबरदस्त योजना आ सकती है, उस पर काम करने के लिए आप जल्दबाजी करेंगे। योजना के अनुसार काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। जो भी काम करते हैं उनको लेकर थोड़े आपको जिम्मेदार रहना होगा। कुल मिलाकर आपको अपना काम व्यवस्थित करना चाहिए। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। घर के या घर से जुड़े कामों में परिवार की मदद आपको करने होगी। कोई मेहमान घर में आ सकता है। घर बदलने या घर में कोई सुधार करने का कार्यक्रम है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। आपका उत्साह वर्धन पूरे दिन होता रहेगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जेब में ज्यादा पैसे न होने पर भी आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। कोई काम रुकेगा नहीं। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। मेहनत से पैसों का फायदा मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की कोशिश में कोई कसर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और दिन आपके लिए अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मकान या दुकान पर धन लाभ होगा। हर काम को दिल खोल करके करें और नए अंदाज से करें तो सफल होंगे। कि कोई भी काम शांति से करें, दिन अच्छा है। ऑफिस में साथियों से सपोर्ट मिलेगा। आपकी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी। लेन देन संबंधी काम आपके पूरे हो जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप 1 केला भगवान शंकर जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपको जो है किस्मत के माध्यम से सभी कामों में सफल होने का अवसर मिलेगा। प्रसन्न रहेंगे और खुद को भाग्यशाली भी आप महसूस करेंगे। करियर में कुछ नए मौके जल्द ही आपको मिल सकते हैं। नौकरी बदलते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस करते हैं तो कोई अच्छा सौदा या पार्टनर आपको मिल सकता है।
समय अच्छा है, दिन अच्छा है खर्चों में कटौती करने के लिए। काफी अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपको उनका उपयोग करना चाहिए। और भावनात्मक तौर पर थोड़ी सी आप कमजोरी महसूस करेंगे, और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में थोड़े से चावल डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। नए और खास लोगों से मुलाकात बातचीत होगी। अपने कामकाज के दायरे को बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपका ज्ञान वर्धन करेंगे। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुद को साबित करने में आप लगे रहेंगे। बड़ी योजना के लिए कोशिश करेंगे तो अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। कहीं से कर्जा लेने की कोशिश यदि आप कर रहे हैं तो उसकी मंजूरी आपको मिल जाएगी। जो चल रहा है आप उसे चलने दे। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गाय को यदि गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आप आज सभी कामों में अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जो काम की तलाश में है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। रोजमर्रा के काम पर आपका अच्छा प्रभाव होगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। धैर्य और एकाग्रता रखेंगे तो कई काम निपटाने में आप सफल हो जाएंगे। दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरों की खातिर आपको कोई त्याग भी करना पड़ेगा। दिन फायदे वाला है। छोटी छोटी बातों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और उपाय के रूप में यदि घर से निकलते समय आप एक इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कामकाज में आप व्यस्त रहेंगे। किसी एक काम या प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज्यादा जोर देंगे तो आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। नए लक्ष्य आपको काम करने के लिए प्राप्त होंगे। बुजुर्ग या वरिष्ठ अधिकारी आपसे मदद मांग सकता है। किसी काम की पहल करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में एक नई सौगात मिलेगी। इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आपका व्यवहार और स्वभाव कई लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। कुछ काम को लेकर के थोड़ा तनाव भी आपको उत्पन्न होगा, लेकिन उसका भी समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। घर परिवार मित्र रिश्तेदार या किसी जो है परिचित या निकटस्थ व्यक्ति के साथ आपके थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सावधान रहे, अपनी वाणी पर आपको विराम रखना चाहिए, यानी आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप दूध से बनी कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए लोगों से मुलाकात और चर्चा होगी। टेंशन जो चल रही है वह दूर हो जाएगी। आप थोड़े हाजिर जवाब रहेंगे। आसानी से लोगों को अपनी राय से सहमत करवा लेंगे। कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आप लगभग हर कोशिश में सफल हो जाएंगे। अपने दायरे के लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का परिणाम मिलेगा। आमदनी बढ़ाने के बहुत अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पैसों के मामलों में आपको व्यावहारिक रहना होगा। किसी बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति से बातचीत आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तरक्की के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। उनसे जुड़ने और समझने में जरा भी देर न करें। आप सही समय पर सही निर्णय करने में सफल हो जाएंगे। संचार के साधनों से आपको फायदा होगा। किसी नई तकनीक से भी आपको धन लाभ होगा। रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा है। आपके दिमाग में कोई मौलिक विचार भी रहेगा। आप रूटीन से हटकर कुछ नया काम भी कर सकते हैं। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई गरीब व्यक्ति को दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जरूरी काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाइयों तथा मित्रों से भी आपको फायदा होगा। पुराना पैसा अचानक मिल जाएगा। नए अवसर, नए लोग, नए विचार आपके सामने आएंगे। उन्हें खुलकर खुले मन से स्वीकार करें। आज मिलने वाले अवसरों में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भाग्यशाली साबित होंगे। जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के नए मौके आपको मिल सकते हैं।
पारिवारिक जीवन या रिश्तों के क्षेत्र में कोई समस्या है तो बस सुलझ जाएगी। और उपाय के रूप में किसी भी व्यक्ति को, जैसे गरीब व्यक्ति को यदि आप भोजन या भोजन से संबंधित वस्तु का दान करते हैं तो आपका ऋण शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है। मीठा बोलकर अपने सभी काम पूरे करवा सकते हैं। दोस्तों, प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ कोई मामला है तो वह सिर्फ आपके फोन करने से सुलझ जाएगा और कुछ जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ पुरानी समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नया काम आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा फायदा होगा। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पुराने कामों से फायदा होने का योग है। कैरियर के मामलों में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जिनमें आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पॉजिटिव तरीके से आपको काम करना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला करने के पहले अच्छी प्रकार से विचार आपको करना होगा। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह करें, समय लगता है तो लगने दे। कोई व्यक्ति आपसे मदद भी मांग सकता है। लोगों की मदद करेंगे तो आपको ही आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। सुख सुविधा पर खर्चा आपका होगा। अपनी सेहत के लिए आपको समय निकालना चाहिए। और उपाय के रूप में चने की दाल और गुड़ यदि दोनों मिला करके पानी में भिगो करके गाय को खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।